गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा से हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली रही हैं। उनकी कहानियां न केवल हमें नैतिकता और सद्गुणों का महत्व बताती हैं, बल्कि वे हमें हमारे आंतरिक संघर्षों से भी उबरने की प्रेरणा देती हैं। ये कहानी हमें क्रोध पर नियंत्रण और शांति के महत्व को सिखाती है। हेलो दोस्तों, फिर एक गौतम बुद्ध की अपना जीवन कैसे बदले मोटिवेशन स्टोरी वीडियो के साथ में चलो सुनते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम धर्मनिधर था। धर्मनिधर अत्यंत अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। वह अक्सर अपने नौकरों, व्यापारियों और यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों पर भी क्रोधित हो जाता था। उसकी इस आदत के कारण गाँव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे और उससे मिलने से भी कतराते थे। बुद्ध के आगमन की खबर पूरे गाँव में फैल गई। लोग बुद्ध के दर्शन के लिए उत्सुक थे और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। धर्मनिधर ने भी सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और उसने सोचा, ये साधु यहाँ क्यों आए हैं? ये लोग क्या कर सकते हैं? मेरे पास धन और शक्ति है, मुझे किसी साधु के उपदेशों की आवश्यकता नहीं। वह बुद्ध के प्रति द्वेष भाव रखता था और उन्हें नीचा दिखाने का मौका तलाश रहा था। धर्मनिधर का क्रोध एक दिन जब बुद्ध गाँव के चौपाल में बैठे उपदेश दे रहे थे, धर्मनिधर उनके पास पहुँचा। उसने क्रोधित स्वर में बुद्ध से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे साधु हमारे गांव में आकर हमारे समय और ध्यान को क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? तुम केवल अपने उपदेशों से लोगों को भ्रमित करते हो। बुद्ध ने धर्मनिधर की बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई क्रोध या नाराजगी नहीं आई। वे शांति से धर्मनिधर की ओर देखने लगे। बुद्ध के इस शांत स्वभाव को देखकर धर्मनिधर और भी क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध के सामने खड़े होकर अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वहाँ उपस्थित सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध इतनी शांत और धैर्यपूर्ण स्थिति में है, जबकि धर्मनिधर लगातार उन्हें अपमानित कर रहा था। धर्मनिधर के अपशब्दों को सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और धीरज भरे स्वर में बोले, धर्मनिधर, यदि तुम किसी को एक उपहार देते हो और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसका होता है? धर्मनिधर ने कुछ समझते हुए उत्तर दिया, ये तो सरल है। यदि कोई उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार मेरा ही रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही धर्मनिधर, तुम अपने क्रोध और अपशब्दों का उपहार मुझे दे रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। वे तुम्हारे ही रहेंगे। जैसे उपहार देने पर वह वापस लौटता है, वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा। धर्मनिधर का परिवर्तन। बुद्ध के इन शब्दों ने धर्मनिधर के हृदय को गहरे तक छू लिया। उसे पहली बार अपने क्रोध और अहंकार का वास्तविक रूप समझ में आया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और द्वेष केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। धर्मनिधर की आंखों में आंसू आ गए और उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी। धर्मनिधर ने कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूं कि क्रोध मेरे मन को और जीवन को दूषित कर रहा था। आपने मुझे दिखाया कि क्रोध पर नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं जिससे मैं शांति और धैर्य का जीवन जी सकूं। बुद्ध ने धर्मनिधर को उठाया और प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, धर्मनिधर, क्रोध को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है प्रेम और करुणा का विकास। जब हम अपने भीतर करुणा और प्रेम के भाव को जगाते हैं तो क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ध्यान, साधना और सद्गुणों का पालन तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। धर्मनिधर का नया जीवन। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने धर्मनिधर के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने क्रोधी स्वभाव को छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया। वह अब अपने नौकरों और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगा। उसने अपने व्यापार में भी न्याय और सद्भावना का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे धर्मनिधर का जीवन शांतिपूर्ण और सुखदायक हो गया। गांव के लोग धर्मनिधर के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे उसके इस नए स्वरूप की प्रशंसा करते थे और उसकी कंपनी का आनंद लेते थे। धर्मनिधर ने गांव में एक ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां लोग ध्यान और साधना के माध्यम से शांति और संतुलन की खोज कर सकते थे। वह स्वयं भी नियमित रूप से ध्यान करता था और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता था। धर्मनिधर की शिक्षा का प्रसार। धर्मनिधर का जीवन अब बुद्ध की शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण बन चुका था। उसने अपने अनुभवों को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी क्रोध पर नियंत्रण और प्रेमपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग भी ध्यान और साधना के माध्यम से अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करने लगे। गौतम बुद्ध ने धर्मनिधर के इस परिवर्तन को देखा और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, देखो, क्रोध और अहंकार से मुक्ति पाने का मार्ग प्रेम और करुणा ही है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन की भावना को जगाते हैं, तब हम वास्तविक आनंद और सुख का अनुभव कर सकते हैं।
निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्रोध पर नियंत्रण और प्रेम का विकास हमारे जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बना सकता है। क्रोध केवल नकारात्मकता और दुख लाता है, जबकि प्रेम और करुणा हमारे जीवन में सुख, शांति और संतोष का विकास करते हैं। हमें अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर क्रोध से मुक्त होकर प्रेमपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। समाप्ति। इस कहानी के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना और प्रेम व करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपने आंतरिक संघर्षों से मुक्त होकर शांति और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें भी क्रोध पर नियंत्रण और प्रेमपूर्ण जीवन जीने के महत्व को समझने में मदद करें। जब हम सब मिलकर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएंगे, तभी हम एक सुखी और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी हो और अगर इस प्रेरणादायक कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। अपना कीमती समय इस कहानी को देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें ना भूलें। धन्यवाद।